दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। तो दोस्तों, मैं हूं आजकल नैनीताल में और आजकल है बरसात का मौसम और बारिश जो है पिछले 4-5 दिन से यहां पर लगातार है और आज आपको दिखाऊंगा मैं नैनीताल में बरसात का क्या हाल है। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो भी नई आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम जो है बाजार को जा रहे थे और हमारे साथ में है राजेश दा और ये बहुत पुराने जो है एक्टर हैं और बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं और बहुत से फिल्मों में इन्होंने काम किया है जी। तो राजेश दा, क्या कहेंगे बरसात के मौसम में जो है लगे पड़े हैं? बहुत खूबसूरत मौसम है। हाँ, नैनीताल आइए, यहाँ के मौसम का लुत्फ उठाइए। लेकिन हाँ, सावधान रहिएगा, कहीं कहीं पर सड़कें टूट रही हैं, नदियाँ उफान पर हैं, तो अपना ख्याल खुद रखें। जय। तो जो है अभी जो है बड़े टाइम के बाद जो है राजेश दा मिले हैं और फिर एक दिन इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि हमारे मित्र हैं एक हरीश राणा जी बाबा, तो वो भी इनके वहाँ पे आते हैं और आपका होटल भी है नैनीताल में। सब आपका ही है, आप आइए तो सही, वही तो सेवा का मौका तो दीजिए। तो वहाँ पर जब आएंगे तो फिर बातचीत होगी जरूर। बहुत पुराने एक्टर हैं तो पुराने एक्टर और एक्टरों का होना बहुत जरूरी है हमारे उस पे ना। लेकिन सारी दुनिया एक्टर है, सारे हमारे जो है जीव जंतु और इतने पशु है, पक्षी हैं, सब अभिनय करते हैं, उन्हीं से उसी का है और सारी दुनिया अभिनय करती है हर वक्त। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और दादा जो है अपना जा रहे हैं, फिर होती है मुलाकात। चलिए ठीक है दादा। तो दोस्तों, हम जो है बढ़ रहे हैं बाजार की तरफ को और बारिश तो आपको दिख ही रही है और जो है संडे होने की वजह से जो है आज पूरी मार्केट तो जो है लगभग बंद ही है और लोग बाग आज जो है छुट्टी का आनंद जो है घरी में मना रहे होंगे। क्या एक हमारे मित्र हैं अभी यहाँ पर, तो शॉप आज उनकी खुली हुई है कंचन भाई की, जिया मोबाइल वर्ल्ड करके है। तो ये तो जो है कंचन भाई हमारे बैठे हुए हैं। हाँ, बहुत बारिश है लेकिन मैं सोच रहा था कि आप हो नहीं हो करके। हाँ, तो कंचन भाई आज हैं यहाँ पर, तो इनका है जिया मोबाइल वर्ल्ड करके इनका है, शॉप का नाम पता कर लो। तो ये है, हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? ये हो आप लोग सब,
हम आशा करते हैं कि आप लोग सही। हाँ, तो जो है यहाँ पर अच्छे जो है आपको कीमत पर अच्छे रेट्स पर जो है मोबाइल का जो है सामान आपको मिल जाता है, और बहुत सी जो एसेसरीज है इन्होंने रखी हुई है अंदर, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार जो है बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो है कंचन भाई के पास में जो है जो कंचन भाई के पास हमारे पास जो है मोबाइल की बहुत सारी एसेसरीज जो है पड़ी हुई है। जो मिडिल स्कूल है नैनीताल का, इसके सामने ही इनकी जो है शॉप है, और आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं और उचित दामों पर उचित रेट पर जो है आपको सामान मिलेगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, और बीच में अभी शीतल भाई की दुकान है वहाँ पर जाएंगे, फिर निर्मल भाई के पास हमें जाना है। तो चलिए पंद्रह में मिलते हैं फिर। हाँ, ओके बाय। शीतल भाई की दुकान जो है आज बंद है, आज शीतल भाई नहीं मिलेंगे। तो हम अब जाते हैं सीधे निर्मल भाई के पास में, या देखते हैं। और जो है रक्षाबंधन जो है जल्दी ही आने वाला है, तो जो है दुकानें जो है पूरी सजी हुई हैं नैनीताल में, देखिए आप। और हर तरफ जो है राखी राखी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राखी जो कि जब थोड़ी ही दिनों में जो है आने वाली है, और लोगों को जो है दूर दूर तक राखी भेजनी होती है, तो इसलिए जो है राखी की दुकानें जो है पहले ही से सज जाती हैं। और ये है नैना बुक डिपो, और यहाँ पर जो है आपको राखियाँ दिखेंगी, जैसी आप चाहें वैसी राखियाँ आप जो है ख़रीद सकते हैं। इस वक्त मैं हूँ नैना बुक डिपो पर, और यहाँ पर जो है राखियाँ किस रेंज की है और कब राखी है ये हम भाई साहब से बात करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हमारे पास में बैठे हुए हैं मनोज भाई साहब, और भाई साहब से बात करते हैं कि उनके पास किस किस रेंज की राखियाँ हैं और कब राखी है। तो भाई साहब आप ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि जो है आपने राखियाँ तो बहुत ही वैरायटी रखी है राखियों की, और ये किस किस रेंज की हैं और कितने तारीख को जो है राखी है। राखी
11 या 12 को, 12 को ही ज़्यादातर कह रहे लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन है 11 12 का। अच्छे से जैसे 12 को ही कह रहे हैं, पहले कुछ लोग 11 कह रहे थे, 12 की ही। और क्या कहते हैं, किस किस रेंज की राखियाँ जो है? तो 2 रुपये से लेकर 2200-2500 तक की है। अच्छा, एक राखी जो है 2200-2500 रुपये तक की भी है? अच्छा, कहाँ का है? बरेली का, 100 रुपये। अच्छा, तो क्योंकि जैसे राखी 11-12 की है तो राखियाँ जो बिकना जो है वो बहुत ही जल्दी जो है शुरू हो गई है। हाँ, लोग बाहर भेजते हैं ना जी, इसलिए जल्दी भेज देते हैं। जो लोग बाहर को कुरियर करते हैं जी, बाहर भेजते हैं तो राखी जल्दी अपनी बिकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसके वजह से जो है राखियाँ जल्दी जो है मार्केट में आ जाती है। जी, एक महीने पहले से लगा देते हैं। अच्छा, 12 तारीख से हमने शुरू कर दिया था जी। हाँ, क्योंकि आपने देखा है कि नैनीताल में जो है राखियों की वैरायटी बहुत ज़्यादा आती है। जैसे आप हमारे यहाँ वैरायटी अलग मिलेगी आपको। हाँ, अच्छे अच्छे शहरों में नहीं मिलेगी वैरायटी आपको। जी जी, हाँ वही मैं देख रहा था कि बहुत सारी वैरायटियाँ हैं और राखी में एक अलग ही रंग जो है नैनीताल का होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम जाते हैं मामूज के पास में, एक हमारे सुधांशु भाई का है मामूज बेकरी एंड कैफे, और पहले हम मिलते हैं पीयूष भाई से। तो हमारे जो है पीयूष भाई जो है यहाँ पर खड़े हैं, तो बारिश में जो आज तो छुट्टी का मौका है। और ये है हमारे पीयूष भाई की शॉप है मामूज नैनी स्वीट्स, ओल्ड एंड ओरिजिनल है ये, और 1940 में जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये है हमारे पीयूष भाई, और मन्नू भाई अभी है नहीं, मन्नू भाई भी यहाँ पाए जाते हैं। और लेकिन अभी तो हमें खाली बरसात का है तो इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, और स्पेशली एक दिन जो है हम मामूज का जो है स्वीट्स का स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो अभी हम चलते हैं सुधांशु भाई के पास। तो अब हम बढ़ते हैं सुधांशु भाई के पास में मामूज बेकरी एंड कैफ़े। तो हमारे जो है सुधांशु भाई हैं अंदर, और छाता हम रखते हैं नीचे। मनोज भाई भी हैं, सबसे मिलाएंगे हम। तो अब हम ये, अब हम आ गए हैं मामूज बेकरी में। ये है हमारे मनोज भाई, और ये हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, और ये है हमारे सुधांशु भाई। तो आज तो हम जो है क्या कहते हैं, सिर्फ बरसात के उपलक्ष्य में जो है बना रहे हैं कि कैसा नैनीताल में बरसात का मौसम है। तो सुधांशु भाई हमको बोलते रहते हैं कि भैया यार दादा, आप जो है वीडियोज बना दे रहे हो, नैनीताल में आ गए हो, तो लेकिन अब स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे करके। बहुत तो बेहतरीन काम है। हाँ, तो हम जो है अब धीरे धीरे आगे को वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि आजकल हम रेगुलर जो है वीडियो लगभग डाल ही रहे हैं। तो आज का वीडियो तो हमारा जो है सिर्फ इस पर ही है, बरसात कैसा मौसम हो रहा है। हाँ, तो इसके बाद हम एक दिन आपको मामूज बेकरीज एंड कैफ़े का जो है एक स्पेशल वीडियो जो है आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और मामूज स्वीट का भी एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। और फिलहाल मैं आपको वैसे दिखाता हूँ कि मामूज बेकरीज में जो है क्या क्या आपको सामान वैसे मिलता है, बाकी उसके बारे में स्पेशली जो डिटेल्स होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। Thank you.
दोस्तों अब हम चलते हैं निर्मल भाई की तरफ को। ओके मनोज, ओके मिलते हैं, पहले वहाँ हो जाता हूँ। ओके ओके। तो दोस्तों अब जाते हैं निर्मल भाई के साइबर डैन में। और ये है निर्मल भाई का साइबर डैन, और ये डैन की तरह ही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी गुफा में जा रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ है निर्मल भाई का जो है साइबर डैन। अरे चलो कोई बात नहीं, थोड़ा छाता मैं अपनी सीधी कर लेता हूँ। ये छाता होगी हमारी सीधी। और जो है निर्मल भाई, जो है आज संडे है तो, लेकिन फिर भी जो है उनको आना पड़ता है, उनका काम जो है इतना ज़रूरी, क्योंकि लोगों की जो है ज़रूरत होती है आजकल, क्योंकि इंटरनेट के बगैर कुछ काम होता नहीं है। तो निर्मल भाई को भी आज संडे में आना ही पड़ता है, लेकिन ये संडे को जो है 12 बजे के बाद जो है आते हैं। और निर्मल भाई कैसे हैं? सब बढ़िया है। हाँ, तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं बना रहे हो वीडियो, तो मैंने कहा भाई आज बरसात का है तो मॉनसून नैनीताल आज जो है हम बना लेते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया नैनीताल का मॉनसून, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ पे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।